वेलकम ऑल। पहले तो देखते हैं कि फर्स्ट डे में हम क्या कवर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू एएसएमई 31.3। 30 दिन का ये कोर्स है जिसमें हम 30 टॉपिक डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक में 3 सब टॉपिक हैं, दैट मीन्स हम 90 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। सो ये 30 दिन का कोर्स शेड्यूल किया गया है जिसमें हम हर कोर्स हर डे में स्टार्ट करेंगे सेफ्टी टॉक से। हार्डली एक जो 2 मिनट की सेफ्टी टॉक है, वेरी शॉर्ट टू द पॉइंट। देन हम उसमें 3 सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉर फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन टू एएसएमई 31.3 में हम देखेंगे ओवरव्यू, सिग्निफिकेंस, स्कोप, एप्लीकेशन, देन कुछ की टर्मिनोलॉजी जो कि 31.3 से रिलेटेड है। जब हम ये तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे, देन हम क्विज ऑफ द टुडेज टॉपिक, जो भी एक दिन का डे 1, डे 2, डे 3 अप टू डे 30 टॉपिक होगा, उसके ऊपर एक क्विज रहेगी जिसमें क्वेश्चंस, आंसर्स एंड आंसर्स की एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगी, सो दैट हम अपना ये टॉपिक कवर कर पाए। एंड में हम देखेंगे नेक्स्ट डे हम कौन सा टॉपिक एंड कौन से सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा पाथ फॉरवर्ड रहेगा पूरे कोर्स के लिए, हर दिन के लिए। सो डे 1 का दिस इज द पाथ फॉरवर्ड। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा अपना अपने फ्रेंड प्रशांत को, हु विल एक्सप्लेन दीज 3 टॉपिक्स। सो चलो शुरू करते हैं। डे 1 हम स्टार्ट करेंगे सेफ्टी टॉक से, देन विल मूव टू सब टॉपिक्स। नमस्ते सभी को, आज हम बात करेंगे काम स्थल में कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरों के बारे में, स्ट्रक बाय कॉटन और कॉट बिटवीन हैजर्ड्स। स्ट्रक बाय हैजर्ड्स हैपन जब कुछ गति में चीज व्यक्ति से टकरा जाती है। ये गति में चलने वाले वाहन, इक्विपमेंट या गिरने वेल मटेरियल्स हो सकते ही हैं। हमेशा तैयार रहे और अपने आसपास की सुरक्षा का ध्यान रखे ताकि ऐसी एक्सीडेंट्स ना हो। कॉटन हैजर्ड्स अक्कर जैब किसी वर्कर का शेयर या क्लोदिंग किसी मूविंग मशीनरी या इक्विपमेंट में फैंस जाता है। कभी भी लूज क्लोदिंग या ज्वेलरी नियर मूव पार्ट्स ना पहने और हमेशा सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करें। कॉट बिटवीन हैजर्ड्स इन्वॉल्व बीइंग क्रश्ड या कंप्रेस्ड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ये मटेरियल हैंडलिंग, हैवी इक्विपमेंट यूज या कन्फाइंड स्पेसेस में काम करते वक्त हो सकता है। हमेशा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और प्रॉपर बैरियर्स या गार्ड्स का इस्तेमाल करें। टू स्टे सेफ, हमेशा रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई जैसे हार्ड हैट्स और हाई विजिबिलिटी क्लोदिंग पहने। कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑपरेटिंग इक्विपमेंट और मूविंग व्हीकल्स से। चलती हुई मशीनरी और मूविंग पार्ट्स के पास सावधान रहे। नेवर रिमूव सेफ्टी गार्ड्स या बैरियर्स। फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर्स और सही ट्रेनिंग लेन फॉर ऑल टास्क। स्टे अलर्ट, बी सेफ और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखे। सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्ते दोस्तों, आज हमारा डे 1 है एसएमईबी 31.3 के बिगिनर कोर्स का। आज हम जानेंगे एसएमईबी 31.3 के बारे में और ये प्रोसेस पाइपिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है। एएसएमईबी 31.3 एक कोड है जो प्रोसेस पाइपिंग सिस्टम्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कोड इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के लिए गाइडलाइंस देता है ताकि पाइपिंग नेटवर्क्स केमिकल प्लांट्स और पेट्रोलियम रिफाइनरीज में सेफ और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट हो सके। एएसएमईबी 31.3 कोड को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने डेवलप किया है, जो एक बहुत बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोड स्पेसिफिकली प्रोसेस पाइपिंग सिस्टम्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें फोकस है कि हम लीक्स, फेलियर्स और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सके। एएसएमईबी 31.3 का पालन करके इंजीनियर्स और डिजाइनर्स पाइपिंग सिस्टम्स की इंटेग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, मटेरियल्स और स्ट्रेस एनालिसिस जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। इसे रिलायबल और सेफ पाइपिंग डिजाइन पॉसिबल होता है, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है।
B31.3 के गाइडलाइंस फॉलो करने से हम वर्कर्स और पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और पाइपिंग सिस्टम्स के डाउन टाइम और मेंटेनेंस कॉस्ट्स को कम कर सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में मिलते हैं, जो है Day 1 का दूसरा हिस्सा, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोड। ध्यान रहे, प्रोसेस पाइपिंग सिस्टम्स के साथ काम करते समय हमेशा सेफ्टी और सिंप्लिसिटी को याद रखे। Day 1 के अगले पार्ट के लिए बने रहे। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, हमारे 30 डे बिगिनर कोर्स ऑन एएसएमईबी 31.3 में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोड के साथ। एएसएमईबी 31.3 एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, जो केमिकल, पेट्रोकेमिकल और इंडस्ट्रीज में प्रोसेस पाइपिंग सिस्टम्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोड हेम गाइडलाइंस देता है ताकि हम इन सिस्टम्स को सेफ और रिलायबल बना सके। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एएसएमईबी 31.3 का मतलब है कि ये कोड सभी प्रोसेस पाइपिंग को कवर करता है। ये कोड नए पाइपिंग सिस्टम्स के साथ साथ एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में भी लागू होता है, जिसमें अबव ग्राउंड और अंडरग्राउंड पाइपिंग सिस्टम्स भी शामिल है। इसमें लिक्विड्स, गैसेस और वेपर्स जैसे फ्यूइड्स को कॉन्वे करने वेल सिस्टम्स होते हैं। इस कोड में डिजाइन रिक्वायरमेंट्स भी है। ये क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं प्रेशर डिजाइन, मटेरियल सिलेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस और सपोर्ट डिजाइन के लिए। इसके रूल्स फॉलो करके हम स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पाइपिंग सिस्टम्स बना सकते हैं। इंस्पेक्शन और टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है। एएसएमईबी 31.3 हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन और हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग करने के लिए कहता है, ताकि हमें पता चले कि पाइपिंग सिस्टम्स में कोई डिफेक्ट्स नहीं है। कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरप्रिटेशंस भी है। ये इंटरप्रिटेशंस स्पेसिफिक टेक्निकल पॉइंट्स और एप्लीकेशन इश्यूज को समझने में मदद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एएसएमईबी 31.3 हमारे प्रोसेस पाइपिंग सिस्टम्स की सेफ ऑपरेशन इंश्योर करता है। कोड के गाइडलाइंस फॉलो करने से एक्सीडेंट्स और लीक्स से बचा जा सकता है, जिसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से भी बचा जा सकता है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द की टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन बी 31.3। तो तैयार रहे और सीखते रहिए। नमस्ते दोस्तों, हमारे 30 डे बिगिनर कोर्स ऑन एएसएमईबी 31.3 में आपका स्वागत है। आज हम की टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन बी 31.3 को समझते हैं। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कुछ बेसिक टर्म जो आपको फ्रिक्वेंटली पाइपिंग सिस्टम्स में उसे होते हैं। पाइपिंग सिस्टम एक कलेक्शन होता है पाइप्स, फिटिंग्स और कंपोनेंट्स का, जो फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे होता है। और ये पाइप्स जो फ्लूइड को कॉन्वे करते हैं, यूज हम पाइपिंग कहते हैं। फ्लूइड सर्विस, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये होता है वो फ्लूइड जैसे लिक्विड, गैस या वेपर जो पाइपिंग सिस्टम में फ्लो करता है। डिजाइन प्रेशर, एक मैक्सिमम प्रेशर होता है जो पाइपिंग सिस्टम हैंडल कर सकता है। और डिजाइन टेम्परेचर, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जो पाइपिंग सिस्टम टॉलरेट कर सकता है। पाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके नॉमिनल पाइप साइज एनपीएस का उसे होता है,
ये एक स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन होता है और पाइप्स के थिकनेस को इंडिकेट करने के लिए स्केड्यूल होता है। पाइप्स और कंपोनेंट्स को जॉइन करने के लिए वेल्डिंग एक कॉमन मेथड है। फ्लैंजेस ये डिस्क लाइक कंपोनेंट्स होते हैं जो पाइप्स और वॉल्व्स को कनेक्ट करने के लिए उसे होते हैं, और इन फ्लैंजेस के बीच में गैस्केट्स का उसे होता है ताकि लीकेज ना हो। वॉल्व्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका उसे होता है फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। एल्बोस ये फिटिंग्स होते हैं जो पाइप के डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। टीज ये फिटिंग्स होते हैं जो फ्लो को टू डायरेक्शंस में स्प्लिट करते हैं, और रिड्यूसर्स ये फिटिंग्स होते हैं जो पाइप्स को डिफरेंट साइजेस में कनेक्ट करते हैं। पाइपिंग डिजाइन करते वक्त हमें बेंड रेडियस का भी ध्यान रखना होता है। ये एक मिनिमम रेडियस होता है जिसमें पाइप को बेंड किया जा सकता है बिना उसको डैमेज करने के। टू इम्पोर्टेंट कॉन्सर्न्स पाइपिंग में होते हैं, एक है कोरोजन, ये होता है पाइप मटेरियल का डिटेरियोरेशन केमिकल रिएक्शंस से, और दूसरा है स्ट्रेस, ये होता है पाइप मटेरियल को फोर्स पर यूनिट एरिया। अलाउएबल स्ट्रेस ये होता है मैक्सिमम स्ट्रेस जो पाइप मटेरियल टॉलरेट कर सकता है एज पर कोड। क्रीप और फटीग भी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्रीप होता है पेंडेंट डिफॉर्मेशन पाइप का कांस्टेंट लोड के नीचे, और फटीग होता है पाइप के डैमेज या फेलियर का रीजन रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग से। याद रखिए ASME 31.3 के गाइडलाइंस फॉलो करके ही हम एक सेफ और रिलायबल पाइपिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगली टॉपिक है मटेरियल सिलेक्शन एंड लिमिटेशंस। तो तैयार रहे और सीखते रहिए।
तो अभी हमने थ्री सब टॉपिक्स पहले दिन के टॉपिक जो कि था इंट्रोडक्शन टू ASME 31.3 वो पूरे हो गए हैं। हमने सेफ्टी टॉक की, देन तीन टॉपिक की डिटेलिंग की, देन उसके रिलेटेड क्विज अटेम्प्ट किए। तो आई एम श्योर दिस इज यूजफुल। वी हैव कवर्ड फर्स्ट डे टॉपिक डिटेल इन डिटेल। तो सेकेंड डे में वी आर गोइंग टू कवर मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स हम तीन ये सब टॉपिक कवर करेंगे, मटेरियल सिलेक्शन, लिमिटेशन, देन पाइपिंग कंपोनेंट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, देन क्राइटेरिया फॉर मटेरियल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। सो आई एम श्योर ये कोर्स काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में बनाया गया है। 30 डेज में वे हम काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे 1। डे 2 में मिलते हैं विद दीज 3 टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।